Assalamu alaikum everyone, good morning with HWM 120-16-78. So aaj subah subah ye kya hone ja raha hai, kuch samajh nahi aa raha. No nature view, no nothing, no breakfast. Bhai to aaj subah subah hum ja rahe hain kapde dhone. Kahan pe ja rahe hain? Apne hi laundry area mein ja rahe hain. But aaj hum karenge unboxing, aur unboxing karne ja rahe hain Haier ki fully automatic washing machine mein, jo ki hai ड्यूअल फंक्शन. यानी इसको आप एज ए मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं. मैनुअल जो घरों में यूज़ होती हैं वॉशिंग मशीन्स, तो उनकी तरह भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है. और दूसरी चॉइस आपके पास है कि आप एज ए फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इसको यूज़ करें. सो यहाँ पे इसके मेन पार्ट्स का अगर जिक्र करें तो फ्रंट की ये सारी इसकी बॉडी है, फिर ये टेम्पर्ड ग्लास डोर है, और यहाँ पे ये बेसिकली है डिटर्जेंट बॉक्स. और आप इसमें डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं या सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे बारी आती है इन दो फिल्टर्स की. ये दो फिल्टर्स के साथ होते हैं, इन बिल्ट ही अटैच्ड होते हैं बेसिकली पिलो ड्रम के अंदर. और इन फिल्टर्स का काम होता है कि हर तरह के कपड़ों से धागे एक्स्ट्रा, और जिसको बुर कहते हैं, बुर वगैरह और रेत मट्टी डस्ट वट एवर जो भी गंद होता है, जो भी ट्रैश होता है, इन फिल्टर फ्रेम्स में बेसिकली फिल्टर हो जाता है और बाद में इनको क्लीन अप कर लिया जाता है. सो बाय लुक तो ये बहुत खूबसूरत है. अब देखते हैं कि बाय फंक्शन इसके क्या हालात हैं. तो वो जानने के लिए ज़रूरी है कि इसके प्रॉपर फंक्शंस, उनकी सेटिंग को देखा जाए और फिर एक प्रैक्टिकल किया जाए. और प्रैक्टिकल में ये जाना जाए कि आज ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, इसकी परफॉर्मेंस, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं. और वो जानने के लिए ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट इसके डिजिटल डिस्प्ले पे चले जाएं. सो ये बेसिकली इसका डिजिटल डिस्प्ले है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है. नीचे यहाँ पे एक नोट है और नोट पे ये प्रिकॉशनरी बेसिकली मेजर्स हैं कि आपने कोई भी गीली लॉन्ड्री जो है इस डिजिटल पैनल के ऊपर प्लेस नहीं करनी, स्पिनिंग के दौरान हाथ नहीं डालना इसमें, और उसके अलावा बच्चे बिल्कुल भी इसको इसके आसपास ना आए तो बेहतर है. इस तरह की कुछ चीज़ें मेंशन है जो कि मेरे हाल में हर कोई केयर करता ही है. और डिजिटल डिस्प्ले में बेसिकली तीन चार चीज़ें मेन हैं. एक राइट साइड पे स्टार्ट बटन, बेसिकली दिस इज़ वन टच सोल्यूशन. और उस स्टार्ट बटन के साथ एक नॉब भी आ रहा है और लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे नज़र आता है यहाँ पे पावर बटन. सो सबसे पहले इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे हम. उसके लिए ज़रूरी है पावर बटन ऑन कर लेंगे और इसके लेफ्ट साइड से हम फंक्शंस देखते हैं. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू विद फोर फंक्शंस. पहले है रिजर्व वाटर. अगर आप चाहते हैं कि पानी ज़ाया ना हो एक वाश का, तो आप इसको रिजर्व वाले ऑप्शन पर लगा सकते हैं. इसके अलावा आप चाहते हैं कि एयर ड्राई हो, टब जो इसका है, टब प्लस इनर सारी बॉडी इसकी ड्राई हो, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. और उसके अलावा टब ड्राई चाहते हैं तो टब ड्राई ऑप्शन. इसके अलावा चाइल्ड लॉक ऑप्शन है जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है. इनके हिसाब ने मशीन प्ले कर दी और उसके बाद कोई बच्चा आया और उसने सेटिंग चेंज कर दी या इंटरप्ट कर दिया, तो फिर आपके कपड़े नहीं धुलेंगे. उसके लिए ज़रूरी है कि आप चाइल्ड लॉक लगा लें. तो चाइल्ड लॉक किस तरह से लगता है? चाइल्ड लॉक लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि प्रोग्रेस और डिले बटन को एक साथ आप प्रेस करेंगे तो चल पड़ेगा. इसके अलावा आप सेकंड देखते हैं. सेकंड ऑप्शन है कि आप वाटर लेवल कितना रखना चाहते हैं, वो बेसिकली लो, मीडियम, हाई, मैक्सिमम, जो भी आप रखना चाहते हैं. अपने कपड़ों के हिसाब से रखा जाता है, ज़्यादातर मीडियम ही रखा जाता है या हाई. इसके अलावा आपका सोक टाइम, अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं और आप कुछ टाइम तक उनको सोक करना चाहते हैं, लाइक फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट्स, डिपेंड करता है कि कपड़े कितने गंदे हैं, तो उसके मुताबिक जो सोक टाइम है वो एडजस्ट किया जाता है. सो इट कैन बी 10 मिनट्स, इट कैन बी 20 मिनट्स. तीसरे ऑप्शन पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर रिंस का ऑप्शन आता है. तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉफ्टनर या कितना डिटर्जेंट यूज़ किया, या फिर आप कपड़ों को कितनी दफ़ा रिंस करना चाहते हैं. नॉर्मली मैं तो 3 रिंसेस पे लगा देती हूँ. हर किसी की अपनी चॉइस होती है. 3 रिंसेस या 4 रिंसेस पे ये होता है कि आपके कपड़े पाक भी हो गए. समटाइम्स बड़े जो कपड़े हम डालते हैं उनके साथ बच्चों के कपड़े भी होते हैं,
समटाइम्स पेम्पर लीकेज होता है, ये कोई भी इशू हो सकता है, उस केस में ज़रूरी है कि 3 रिंसेज हों ताकि कपड़े पाक हो जाएं। ओके, रिंस ऑप्शन के बाद हमारे पास आएगा स्पिन टाइम। ठीक है, स्पिनिंग टाइम भी हम खुद लगा सकते हैं, जितना भी हम चाहते हैं, वो डिपेंड करता है 4 मिनट्स 5 मिनट्स 6 मिनट्स। उसके बाद आता है कि प्रोग्रेस आप कैसे करना चाहते हैं, आप सॉकिंग करना चाहते हैं, आप सिर्फ वॉश का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। वो इस केस में होता है कि जब हम चाहते हैं कि कपड़े निजस हैं किसी भी वजह से, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले एक दफ़ा कपड़ों को डाल के, या बच्चों के कपड़े जो होते हैं या बच्चों के पजामे जो होते हैं वो डाल लें और उनको पहले वॉश कर लें, सिर्फ वॉश के ऑप्शन पे लगा के पहले वॉश कर लें, और उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपर सेटिंग पे प्ले कर दें। वॉश के अलावा अगर हमने हाथ से कपड़े धोए हों, या कपड़े कोई भी गीले हों, या आपने मैनुअल वॉशिंग मशीन में धोए हैं, तो आप सिर्फ स्पिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास इस वॉशिंग मशीन में हायर की फुल्ली ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ऑपरेटिंग में हमारे पास एक ऑप्शन ये होती है कि हम सिर्फ इसको स्पिन पे लगा सकते हैं, तो वो भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। देन यू कैन प्ले स्टार्ट बटन, तो उससे भी आपका क्या होगा कि आपकी स्पिनिंग हो जाएगी और टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती हैं। आपने अगर तीनों फंक्शन परफॉर्म करने, लाइक वॉशिंग भी करनी है, रिंग्स भी करना है और स्पिनिंग भी, तो उस वक्त आपकी डिफरेंट टाइमिंग बताएगी आपकी वॉशिंग मशीन, अदरवाइज़ कम टाइमिंग्स होती हैं अगर आपने एक ही फंक्शन परफॉर्म कराना हो मशीन से। तो डिले का ऑप्शन भी हमारे पास होता है, अगर कुछ टाइम के लिए हम वॉशिंग मशीन के फंक्शन को डिले करना चाहते हैं तो हम इसको डिले पर लगा देते हैं। इसके अलावा मेन जो इसका है ये नॉब आ जाती है, और नॉब में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि किस तरह की क्लॉथिंग, किस तरह का स्टफ़ हम वॉश करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट आता है वो कॉटन आता है, और उसकी अपनी सेटिंग्स आती हैं जो चेंज भी की जा सकती हैं। सेकंड पे आता है इको। इको बेसिकली बहुत आपका बजट फ्रेंडली होता है, लेकिन इसमें कोई इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं प्रॉपर वॉश होते, हल्के फुल्के आपके कपड़े हों तो फिर हो जाते हैं ईजीली। एक्सप्रेस, आपको जब बहुत जल्दी में कपड़े चाहिए तो उस वक्त के लिए आप यू कैन गो फॉर एक्सप्रेस। उसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स का ऑप्शन आता है, आपकी जो भी स्पोर्ट ड्रेसेस हैं आप वो अगर वॉश करना चाहते हैं तो उसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको वाटर लेवल कितना चाहिए, आपको फंक्शन कौन सा चाहिए, सोप टाइम चाहिए नहीं चाहिए, रिंसिंग कितनी चाहिए, स्पिनिंग कितनी चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास एक चॉइस ये भी है कि कपड़े अगर वूल के हैं तो उसको वूल ऑप्शन पे रख के वॉश किया जाता है। इसके अलावा हैवी का ऑप्शन आता है, तो हैवी का ऑप्शन जिस तरह से मैंने लिया था कॉन्सेप्ट, कि हैवी का मतलब ये है कि ब्लैंकेट डाल लिए, कोई आपने क्विट्स धो ली, कोई पिलोज़ धो लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उसके लिए अलग ऑप्शन है। यहाँ पर हैवी से मुराद है कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप हैवी के ऑप्शन पर लगा सकते हैं। एक आपको चॉइस मिलती है यहाँ पे ड्रम क्लीन की, तो ड्रम क्लीन जो बेसिकली है कि आपने कपड़े वॉश कर लिए, अब आप चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन का जो पिलो ड्रम है तो वो प्रॉपर क्लीन अप हो जाए, तो आप इस ऑप्शन पे लगा सकते हैं। यहाँ आपको मेरी डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है E4, बेसिकली अभी ये एरर दे रही है वॉशिंग मशीन। एरर बहुत सारे कॉमन एरर्स होते हैं फ्रॉम E1 to E9, तो मोर देन 9 प्रॉब्लम्स यू कैन फेस वाइल यूजिंग दिस वॉशिंग मशीन। वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में करके, अगर ज़रूरत हुई कोई जानना चाहता है तो मैं ज़रूर वो भी शेयर कर दूँगी, लेकिन वो पार्ट 2 में शेयर करूँगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास नॉब में एक ऑप्शन आता है बेबी केयर, तो बच्चों के कपड़े बेसिकली इस ऑप्शन में धोए जाते हैं, और इसके क्या होता है, डेफिनेटली हमें वाटर लेवल इसमें लो चाहिए होता है, जो कि बच्चों के कपड़े कम होते हैं, टाइमिंग्स भी कम चाहिए होती हैं, बहुत इजीली हम इनको वॉश कर सकते हैं। बेबी केयर के बाद आता है टॉवल्स, टॉवल्स के बाद ब्लैंकेट का ऑप्शन, इसमें हम सिंगल बेड का ब्लैंकेट इजीली वॉश कर सकते हैं। और ब्लैंकेट के बाद हमारे पास चॉइस है डेलिकेट की, तो कोई भी आपकी डेलिकेट क्लॉथिंग है किसी भी तरह की तो वो इस ऑप्शन में हम वॉश कर सकते हैं। कुछ कपड़े बहुत फैंसी होते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप डेलिकेट के ऑप्शन या सॉफ्ट वॉश में आप उनको वॉश कर सकते हैं। बेसिकली सॉफ्ट वॉश, डेलिकेट, बेबी केयर, दीज 3 आर जस्ट लाइक यू नो हैंड वॉशिंग।
बहुत सॉफ्टली इनको वॉश कर लिया जाता है। तो ये इसकी फंक्शन हो गई कंप्लीट। और इसका सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है, एक तो आप वाटर लेवल यहाँ पे लीटर्स में नहीं है, लो मीडियम और हाई में इन्होंने अपडेट किया है। और ये 12 kgs की वॉशिंग मशीन है। पहले जो मैं हायर की यूज़ कर रही थी वो 7.5 kgs थी, उसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था और इसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो आई थॉट कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे डिटर्जेंट बॉक्स का एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। यहाँ पे आप डिटर्जेंट लाइक सर्फ, सोप, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में सॉफ्टनर्स लिक्विड्स बहुत ईजीली अवेलेबल हैं और काफ़ी रिजनेबल भी हैं, आप तो उनसे भी बहुत अच्छी कपड़ों की वॉशिंग हो जाती है और कंडीशनिंग भी हो जाती है। यहाँ पे हम बात करें तो इसके अंदर पहले भी मैंने बताया 2 फिल्टर्स होते हैं जो हर तरह के दागे, डस्ट, मट्टी, रेत और एक्स्ट्रा स्टफ़ को अपने अंदर फ़िल्टर कर लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आफ्टर 1 वीक ज़रूर इन फ़िल्टर्स को क्लीन अप कर लिया जाए। तो यहाँ पे चूँकि मैं 2 मंथ से इसको वॉशिंग मशीन को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इन फ़िल्टर्स को क्लीन नहीं किया। मैंने चेक किया था बट मेरे कपड़ों में इतने ज़्यादा दागे और डस्ट नहीं थी। सो पहले तो नहीं थे, अभी 2 मंथ्स के बाद चूँकि मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी थी तो काफ़ी हैवी अमाउंट जमा हो चुकी थी इन दागों की। सो पहले तो मैं इस तरह से हाथ से निकालूंगी मैनुअली और बाद में आप इसको रनिंग टैब में अच्छी तरह से वॉश आउट कर सकते हैं या फिर टब में पानी लेके भी इनको अच्छी तरह से क्लीन अप करके दोबारा फिक्सिंग किया जा सकता है। सो ये भी इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। खैर ये तो आपको पता है कि मैनुअल में भी अवेलेबल होता है, काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। बहरहाल हर तरह के धागे से ये धागे गन डस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा मैं आपसे एक दो चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये वॉशिंग मशीन में ये कहा जाता है कि पैनल, जो डिजिटल पैनल है, इसके अंदर सिलिकॉन कोटिंग होती है, तो आप इसके अंदर वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम सर्दियों में होता है कि कुछ कपड़ों में हम चाहते हैं या सारे कपड़ों में गर्म पानी भी एडअप किया जाए, लेकिन होता यह है कि जब हम गर्म पानी यूज़ करते हैं उसकी सारी स्टीम पैनल के अंदर चली जाती है, जो कि पैनल की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है और पैनल को जला देती है। ऐसा हायर तो वारंटी देता है, लेकिन मेरे साथ ये पहली वॉशिंग मशीन में हो चुका है, उसका पैनल जल गया था। तो जब मैंने उनको क्लेम भी किया उस वक्त हायर आउट ऑफ वारंटी हो चुका था वो, तो फिर मैंने नया पैनल हायर से ही परचेज़ किया था तकरीबन 6,500 का, और कस्टमर केयर की हेल्प से वो इंस्टॉल भी कराया था। सो आप ऐसी मिस्टेक मेक होंगी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सर्दियों में वार्म वाटर भी यूज़ करना चाहते हैं वॉशिंग मशीन में, तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में गर्म पानी इसमें एड अप करें। डेफिनेटली उसके लिए आपको प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ेगी जहाँ इनलेट से पानी आ रहा है, और आउटर सोर्स से फिर मिक्सिंग ऐसी करनी पड़ेगी एडजस्ट के, फिर गर्म पानी गीज़र वाला नॉब, फिर वहाँ से बहुत कम अमाउंट में हॉट वाटर आए ताकि आपकी मशीन चलती रहे। इसके अलावा मशीन की क्लीनिंग और किसी भी हवाले से कुछ भी पूछना हो तो आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क देयर इन कमेंट्स, तो आपको कंप्लीट रिप्लाई इंशाल्लाह फिर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इनको कर लिया था वॉश और उसके बाद मैं इनको दोबारा से फिक्स इन कर दूँगी। मैं हाईली इसको रिकमेंड करती हूँ, ये बहुत अच्छी है। आप किसी को भी लाइक आप बेटी को जहेज़ में देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ईज़, और आप मासियों के झंझट से और बाकी बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। अगर आप माओ को गिफ्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़, इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। एक मतलब इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ यू नो एक आसाइश है आपके लिए, और आपको ज़रूर इसको अवेल करना चाहिए। अपने किसी भी प्यारे को देना चाहते हैं एज ए गिफ्ट तो ज़रूर दें, हमेशा आपको दुआओं में याद रखेगा। और आपको फिर डिपेंड नहीं करना होता है, जितने भी कपड़े हों बंदा कहते आ जाए कपड़े धो लेंगे, भाई क्या मसला है, परेशानी काय की, तो फिर परेशानी किसी तरह की नहीं रहती। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही आला। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा अगर आप लोगों के पास, अगर आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करें तो किस ब्रांड की कर रहे हैं। चूँकि हायर फेमस है वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके,
दे आर हाईली रिकमेंडेड। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने वॉशिंग मशीन चलानी हो तो यू जस्ट यू नो पुट एवरीथिंग प्रॉपर ऑन प्रॉपर सेटिंग एंड देन यू नो जस्ट प्रेस स्टार्ट बटन, गो एंजॉय योर फूड ब्रेकफास्ट फॉर यू नो एक्सपेक्टेड टाइम जो भी 35 मिनट्स हैं आपकी या 39 मिनट्स है वॉशिंग टाइम। आप जाएँ अपना खाना इंजॉय करें, इवन आप मार्केट चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, वापस आए कपड़े धुले हुए आपको मिलेंगे, और इससे ज़्यादा सुकून और ख़ुशी की बात कोई हो नहीं सकती। सो कुछ भी पूछना हो एक दफ़ा फिर कहूँगी, ज़रूर पूछें। चलें अब बातें करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, आप सारे कपड़े उठाओ और कपड़े धो के दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। बहरहाल आप कपड़े धोना बहुत आसान है। सो यू मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप वॉशिंग मशीन को अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड करने के बाद आप इसकी फैसिलिटी को इंजॉय कर रहे हैं, दैट्स रियली रियली गुड। और छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर ज़रूर इंजॉय किया करें और उस पे रब का शुक्र भी अदा किया करें। सो यहाँ पे कपड़ों का ढेर है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है। सो हम सारे कपड़े लेके जा रहे हैं। चलो 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 चलो, क्यों गाड़ी रुक गई भाई? चलें भाई, कपड़ों का तो ढेर है, बस हमारे पास भी इसका सलूशन है। सो खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। जो लोग भी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। रब की ज़ात है बैठी हुई जो सब कुछ देख रही है, और बेशक आखिरी डिसीजन, पहला और आखिरी डिसीजन उस रब की ज़ात का ही होता है। उसने अगर आपकी हिफाजत करनी है तो वह हर हाल में आपकी हिफाजत करके रहेगा, आपको हर तरह के नुकसान से बचा लेगा। ये हम लोग होते हैं जो बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं, लेकिन तदबीर करने वाला वो अल्लाह है जो सब की नीयत को जानता है और सब की सुनने वाला है। तो सारी तारीफ़ उस रब के लिए। और कपड़े बहुत भारी नहीं हो गए? मतलब एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से इसको घसीटना इज़ नॉट दैट ईजी। कोई बात नहीं, हमने आगे कौन सा हाथ से धोने हैं, हम तो अपने रोबोट को कह देंगे और रोबोट चल पड़ेगा। फायदा भाई, इतनी फ्री क्यों हो रही हूँ मैं? वॉशिंग मशीन की खुशी में फ्री हो रही हूँ। अच्छा जी, ये 12 kgs है, एक दफ़ा फिर बताती चलूँ। और आपने करना ये है कि वाइट, ब्लू और इस तरह के जो लाइट कलर्स हैं उनको सेपरेट कर लें, और ब्लैक, ब्लूज और कलरफुल ड्रेसेस को कंबाइन कर लें ताकि स्टेनिंग से बचा जा सके। सो आपने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी सब भूल जाओ। और यहाँ पे कपड़े में डाल चुकी हूँ, ये एक बेडशीट है, बाकी कुछ कपड़े थे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे डिटर्जेंट। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बॉक्स को खोलें। बॉक्स भी खुल गया भाई, आबरगडाबर छू। अब हम ये करके बस सो तो नहीं गई? नहीं नहीं नहीं, जाग रही हूँ। बाय द वे बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, अब मेरी गलें भी मुक गई हैं, लेकिन आप लोग तो बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्फ एक्सेल का लिक्विड यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है। सर्फ एक्सेल का जो डिटर्जेंट है, बेसिकली जो सर्फ है जिसको हम कॉमनली सर्फ बोलते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि आपके कपड़ों को बिल्कुल उसकी शाइन ही ख़त्म कर देते हैं आफ्टर वन वॉश। तो मैं तो नहीं यूज़ करती। आप लोग बताइएगा आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या कौन सा लिक्विड। एनी हो, सर्फ एक्सेल का लिक्विड जो है उसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, और उसकी क्वांटिटी जो मयरिंग उन्होंने उसका लिड दिया है उसके साथ मैंने वो 1 ऐड अप कर दिया था कपड़ों के हिसाब से। सो यहाँ पे चूँकि मुझे वाटर लेवल हाई चाहिए था तो मैंने हाई एडजस्ट कर लिया। मुझे 3 रिंसेस चाहिए थे तो मैंने वो कर लिए। स्पिन टाइम इवन 5 मिनट्स वर सो ओके। सो उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पे पानी टप 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 शुरू हो गया, और उसके साथ लिक्विड भी। और अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद।
और थोड़ी देर जो भी एक्सपेक्टेड टाइम था आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, मैं भूल गई थी, मैंने नहीं देखा था। तो यहाँ पे कुछ हालात तो और वाक़यात बताते हैं कि कपड़े धुल चुके हैं और कपड़े बहुत अच्छे धुल चुके हैं। इस टाइम में बेसिकली मैंने ब्रेकफास्ट किया था और उसके अलावा कैल्शियम इनटेक लिया था। तो कुछ अपने काम करने के बाद जब मैंने आके देखा तो कपड़े बहुत अच्छे से धुल चुके थे। अब फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि कपड़े धोने के बाद अब कपड़े फैला के भी देगी। कपड़े फैलाने के लिए अब ख़ुद हिलना जुलना पड़ता है और ज़रूरी है भाई हिलना जुलना। अब इसी तरह अगर वॉशिंग मशीन कपड़े भी धोएगी, उस दौरान आप नाश्ता भी इंजॉय करेंगे आप, या शॉपिंग इंजॉय करेंगे, या कुछ भी करेंगे या रेस्ट करेंगे, तो अब आप क्या कहते हैं, वो जो आपने सारा खाया तो आप मोटे होते जाएंगे? नहीं, ख़ुद भी कुछ काम काज किया करो ताकि एक्टिव रहो, हेल्दी रहो और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सको उस रब के शुक्र के साथ। सो आप कपड़े उठाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बोलते बोलते जाओ, कपड़े फैलाओ और देखो कपड़े सही धुले या नहीं धुले। नहीं धुले तो आगे फिर वॉशिंग मशीन से बात करो और अब की दफ़ा जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम प्रीटी श्योर आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फिर भी अगर ना हेल्पफुल रही तो भी लाइक कर देना, कमेंट दिल करे तो कर देना और शेयर तो ज़रूर करना, शायद आपके लिए नहीं किसी और के लिए हेल्पफुल हो जाए।